नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रामाय फ्रेग्रेंसेस में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज आपको एक नए वीडियो में ये दिखाने जा रहे हैं कि बेला के फूल से हम लोग घर में इत्र कैसे तैयार करते हैं, उसका किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। और थोड़ी क्वांटिटी में हालांकि निकलता है, लेकिन हाँ, अपने इस्तेमाल के लिए हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं। जहाँ पे अब चूँकि हमने इससे पहले एक वीडियो आपको डाला है जिसमें दिखाया था कि कारखाने में बेला का इत्र किस तरह बनाया जाता है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आप 10 ग्राम या 5 ग्राम बेला का इत्र अपने इस्तेमाल के लिए या पूजा के लिए किस तरह से घर पे ही तैयार कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमने बेला का ये फूल होता है इस तरह से, ये हमने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, ये इस तरह से बेला का फूल होता है। इसका फूल का हमने एक गजरा तैयार कर लिया है, और उस गजरे को हमको करना क्या है वो आप ज़रा ध्यान से देखना। और तब तक अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करते रहिए, जिससे कि हम आपको इस तरह से नई नई जानकारियां प्रोवाइड कराते रहें, जो कि बहुत ही एक अद्भुत चीज़ होती है। हमने इस तरह से एक गजरा बना लिया है बेले के फूल का। ये गजरा जो आपने देखा होगा, जो बालों आलों में लड़कियाँ लगाती हैं, उस तरह से एक गजरा है। इसको हमने धागे से फूलों को बना के इस तरह से तैयार कर लिया है। और अब करना क्या है आप लोगों को, इस गजरे को एक कांच के कंटर में, इस तरह से ये कांच का कंटर होता है, उसमें हमको रखना है। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि गजरे को, ये जो फूल है ना बेला का, इसको कहीं पे टच नहीं होना है इसके कंटर की बॉडी में। ना देखिए मित्रों, नीचे टच हो और ना साइड में टच हो, इस तरह से इसे हमें तैयार करके रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से देखा आपने, हमने इसके अंदर गजरे को धागे के द्वारा अच्छे से टेप पैकिंग कर दिया है, और ये पॉलीथीन इसलिए लगा दिया है कि जिससे कि इसकी एयर जो है टाइट रहे, हवा बाहर पास ना हो। तो इसको हमें यूं ही पैक करके रखना है कम से कम 24 घंटे तक। तो क्या होगा, ये इसको हमको धूप में रखना है। धूप में ये अपना जो फूल होता है, इसमें से इसकी फ्रेग्रेंस, इत्र जो होती है नेचुरल, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, वो पानी के साथ में इसकी पूरी त्वचा में, बॉडी में, चारों तरफ से चपक जाएगी। और फिर ये फूल का जो गजरा है ये बिल्कुल सूख जाता है। उसके बाद अब हमको बाद में इसको प्रोसेस करना है, निकालना है इसमें से इत्र। तो ये हमारा प्रोसेस रहता है। अभी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद कि इसको किस तरह से हमने प्रोसेस किया है, ठीक है? तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करिए, जिससे कि हम आपको और भी नई नई चीज़ें इस तरह से दिखाते रहें। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंटेनर धूप में रखा हुआ है, और फूल भी लगभग सूखने लगे हैं, और इससे जो ऑयल निकल रहा है ये भाप बन कर के, ये देखिए आप कंटेनर की दीवार पे बूंद बूंद बन के चिपका हुआ है, जो कि धीरे धीरे से टपक रहा है नीचे। ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए बाष्प बन के कंटेनर की बॉडी में चिपका हुआ है तेल के रूप में। और ये इसी तरह से धीरे 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 प्रोसेस होता रहता है, टपकता रहता है और नीचे इकट्ठा होता रहता है। इसको जब हम 24 घंटे के बाद निकालेंगे, तब इसमें ऑयल जो है इकट्ठा हो चुका होगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारा ये मोतिया का इत्र रेडी हो चुका है। क्योंकि इसको 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है धूप में रखे हुए कंटेनर को, अब हम इसको आपके सामने देखिए खोलने जा रहे हैं कंटेनर को, देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या हुई है, इसमें कितना क्या अतर निकला है, परफ्यूम बना इसका। तो अभी हम आपके सामने इस गजरा को निकालने जा रहे हैं दोस्तों।
जिससे कि ये आप देख सकें। फाइनली हमने बहुत ही टाइट करके इसको बंद करके रखा है जिससे इसकी एयर भी ना निकल सके। अब एयर टाइट होने के कारण ये बहुत हार्ड हो गया ढक्कन। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से देखिए दोस्तों। लेकिन ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसकी बॉडी में साइड में कहीं भी ये टच नहीं होना चाहिए। अब ये पूरी तरह से सूख गया है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसकी शक्ल किस तरह हो गई है। ये पूरी तरह से सूख चुका है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, फ्लावर में ख़त्म हो गया इसका सब कुछ। और अब इसमें दोस्तों पानी और तेल का अंश रह गया है, जो कि हम इसको धूप में उठा लेंगे पानी को भी। लेकिन अच्छा खासा इत्र निकल आया है दोस्तों। ये आप देखें कंटेनर में, ये देखिए इत्र दिख रहा है दोस्तों। ये इत्र इसमें अच्छा खासा बन गया है और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने इसको रख दिया है। अब ये देखिए दोस्तों, करीब 15 ग्राम तक हमारा इत्र हो गया है इसमें। इसमें पानी भी है और इत्र भी है, दोनों चीज़ें हैं जिसको हमें पानी और तेल को अलग अलग करना है, क्योंकि ये पानी जब नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर आ जाएगा तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों इतनी प्यारी सुगंध बनी है इसकी, जैसा कि गजरे के फूल से महक आती है, नेचुरल बिल्कुल। आप भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, इस तरह से आप भी बना सकते हैं इसको, और उसके बाद आप इसे पूजा में या अपने लगाने के हिसाब से कपड़ों में इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल, शुद्ध है, प्योर है। इसे आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो, हमें लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरे कंटर में इतनी अच्छी सुगंध आ रही है बेला की, क्योंकि इसमें पानी भी है ना दोस्तों, तो पानी और तेल को अलग अलग हाथों से निकाल लिया जाता है, क्योंकि पानी नीचे बैठ जाता है और तेल ऊपर तैरता रहता है। तो ये जब ऊपर अलग अलग हो जाएगा तब हम इसको उठा लेंगे। हालांकि पानी बहुत कम होगा, ज़्यादातर ऑयल ही होगा इसमें, पूरा ऑयल फॉर्म में ही है, क्योंकि भाप बनके इसकी जो नेचुरल एब्सोल्यूट होती है। अभी इसकी बॉडी में भी बहुत सारा लगा हुआ है, इसको भी उंगली के द्वारा निकालना पड़ेगा। इसमें अभी इसकी बॉडी में तेल का अंश है अभी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।